एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। हिंदू को बुरी नजर से ज्यादा देख रहे हैं, सिख को भी देखते मगर कम। वहाँ पे जो कैसी, जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। कि ऐसे थे कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है उसका प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे मतलब मुझे मिलेगी, हमारे हाथ फंदे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान इस्लामाबाद, यहाँ क्या चलेगा मुस्तफा, ये निजाम मुस्तफा। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते इधर की कमाई है इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली आ तीन कपड़े में आए वापस। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यहीं। तो यहाँ क्या करेंगे? पता। सारा परिवार आ गया? सारा परिवार। कोई वहाँ नहीं बचा? नहीं मारा, नहीं उधर कोई नहीं। क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर आए थे तब लोग आ गए, तब लोग आ गए तो हम भी आ गए। क्या कहेंगे? मैं जो पहले भी सचिंग आ रही। अब आप तो जाएंगे कभी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या करेंगे आगे? फिर यार यहाँ अगर माँ से वो ऑफिसर ही है उससे बेहतर है यहाँ गली कोचों में भीख मांगना और अपने आप को पालना, आजादी से रहना, बगैर किसी शर्त के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहना। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताया। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना अपनी माता जी के चरित्र पर सवाल उठाने के बराबर है। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और ये बदतमीजी, ये बेहूदगी, ये बेशर्मी से भरी हंसी उन छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की लाशों पर, आतंकवादियों को बचाने की ऐसी बेशर्म कोशिश अरविंद केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाया है बल्कि देश के लिए शहीद हुए हर सेना के जवान का भी मजाक उड़ाया है। आतंकवादियों को बचाने की बेशर्म कोशिश की है। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? और ये बात कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापन क्यों नहीं यूट्यूब पे डाल देता? अपने विज्ञापन क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में छापने हैं, टीवी में छापने हैं, रेडियो में चलाने हैं? अपने विज्ञापन भी यूट्यूब पर डाल दे, दूसरों के लिए यह ज्ञान देना। और कबीर खान की फिल्म क्यों टैक्स फ्री की थी? चंद मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, बदतमीजी करना, ये विधानसभा की गरिमा के भी खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कल जो किया है
वो दिल्ली की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार और जो उनका नरसंहार हुआ, उसकी सच्चाई द कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से आज लोगों के सामने आई है और पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक देख रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी वहाँ दिखा रहे हैं उनको फिल्म। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे? किस बात का उन्हें डर लग रहा है? कौन सी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? वो किस वोट बैंक को होने का उन्हें डर लग रहा है? ये जवाब उनको देना पड़ेगा। आज जिस तरह से अभी विधानसभा में जो सत्र के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता और विधायकों ने जो सवाल कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने का जब उठाया, तो कितना भद्दा मजाक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया और कश्मीरी हिंदुओं कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया और अपनी सोच को दिखाया। इतनी उन्हें नफरत कश्मीरी हिंदुओं से है, जिस तरह से वो नफरत उन्होंने विधानसभा में दिखाई है। आज हमने सवेरे ही उनको बुलाया था कि आप आइए यहाँ देखिए। शायद इस फिल्म की माध्यम से, शायद इस फिल्म को देखने से उनका दिल पसीज जाए। जो जिस समय 90 के दशक में उन कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, उसको देखकर उनकी असलियत देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाए, परिवर्तित हो जाए और वो दिल्ली के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे। क्योंकि आज हर युवा को, हर विद्यार्थी को अपने इतिहास के बारे में जानने का हक है और दिल्ली का विद्यार्थी और युवा जिनका जन्म भी 1990 में नहीं हुआ था, उनको वो सच्चाई जाने, ताकि उस समय के लोग जिन्होंने इस नरसंहार के बारे में, इस अत्याचार के बारे में छुपाकर रखा गया, उसमें सरकारें भी इसकी दोषी है, उस समय की कांग्रेस सरकार हो केंद्र में या फिर राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, वो सरकारें भी दोषी हैं। जो लोग सामने से दिख रहे थे आतंकवादी, उससे ज्यादा खतरनाक उनके इरादे थे जिन्होंने कश्मीर पंडितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 32 सालों में द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की गई, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक और बड़ा सच निकल कर सामने आया है जिससे हम आप जैसे बहुत से लोग अनजान थे। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हमें बताया कि वो एक जगह है अनंतनाग से 9 किलोमीटर दूर जिसे मारतंड मंदिर कहा जाता है, वहां एक शूटिंग करना चाहते थे, इस फिल्म का एक सीन शूट करना चाहते थे। जब उन्होंने लोकल लोगों से पूछा कि मारतंड मंदिर कहाँ है, तो उन्हें जानकर हैरत हुई कि लोग मारतंड मंदिर के बारे में जानते ही नहीं है, तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी और नाम से जाना जाने लगा होगा। उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया और जब दिखाया कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो स्थानीय लोगों ने कहा, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, ये तो शैतान की गुफा है। आप जानते हैं शैतान की गुफा, उन स्थानीय लोगों को नाम कहां से मिला? उन्हें ये नाम मिला फिल्म ऐदर से। जी हां, कश्मीर जिसकी इतनी पुरानी प्राचीन संस्कृति है, वहां के एक मंदिर का नाम बदल जाता है 2014 में आई फिल्म ऐदर के गाने से, क्योंकि वहां बिस्मिल नाम का ये गाना शाहिद कपूर पर फिल्माया गया और इस मंदिर के जो अवशेष है वहां काला कपड़ा डालकर इस तरह से शूट किया गया और इसे शैतान की गुफा कह दिया गया। आप सोचिए, प्राचीन संस्कृति इतनी पुरानी कश्मीर की 6-7 साल पहले आई एक फिल्म से बदल जाती है और लोग मारतंड मंदिर को भूलकर उसे शैतान की गुफा नाम से पुकारने लगते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि उस वक्त भी बहुत विरोध किया गया था, कश्मीरी पंडितों ने विरोध किया था कि हमारी संस्कृति है, हमारा मंदिर है, आप इसे शैतान की गुफा कैसे कह सकते हैं। उस वक्त वो सारे स्वर दबा दिए गए, लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण आपको ये बताने के लिए काफी है कि फिल्मों में जिसे भी प्रचारित प्रसारित किया जाता है वो चीज अपनी पहचान। खबर का मतलब है एक भरोसा।